बहुत अच्छा रास्ता है तो यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। तो हम पर महुआ चौराहा पहुँचने से पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का तालाब दिखेगा। तालाब है कि नदी है गुलाम मुस्तफा भाई? और यहाँ पे शायद मंडप पंडाल उंडाल बना था। ये जो भाई महुआ चौराहा है ना भाई, यहाँ पे फाइनली मैं सच में बता रहा हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो और भाई लोग क्या चल रहा है? खैर जो चल रहा है वो तो चलते रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं महुआ चौराहा, मेरे साथ में है गुलाम मुस्तफा भाई और हम लोग जाएंगे वहाँ पे, क्या कुछ है सब कुछ विजिट करेंगे और फुल वीडियो आने वाली है, पूरा सब कुछ दिखाने वाले हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। क्योंकि भाई महुआ चौराहा आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं जो कि शहर में रहते हैं या फिर नासिक वगैरह, मुंबई, हैदराबाद, कहीं भी आप लोग रहते होंगे तो भाई आप लोग देखेंगे खुश हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग महुआ चौराहा की वीडियो बनाने वाले हैं। गुलाम मुस्तफा भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोग सुन लो। जैसे कि दोस्तों आगे महुआ चौराहा तो वहाँ पहुँच कर आपको हम दिखा दें। थोड़ा बहुत कमेंट किया था, जो आया था कमेंट हम लोग ने पढ़ा तो सोचा कि आज दिखा दें आज ही टाइम में, तो फिर उसके बाद पता नहीं कब टाइम मिलता है। तो आज के जितना वीडियो बना पाएंगे बनाएंगे, दो तीन वीडियो बनाएंगे ही, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा तो बनाएंगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू जरूर बने रहे। चलो दोस्तों देखते हैं कि महुआ चौराहा कैसा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ज़बरदस्त है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ का रास्ता देख लो भाई, जो कि इंटरनेशनल हाईवे के जैसा है भाई, बहुत ज़बरदस्त रास्ता। हम लोगों को ऐसा रास्ता कभी कभी मिलता है, तो यहाँ पर रास्ता अच्छा है। सामने गाड़ी जा रही है पुलिस की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई रास्ता चौड़ा है और कुछ इस तरीके का नज़ारा है इधर से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में इधर के साइड में भी कुछ इस तरीके का नज़ारा है और हमारी गाड़ी इस तरीके से चल रही है जिसको चलाने वाले गुलाम मुस्तफा भाई हैं। उसके बाद में इधर का ऐसा नज़ारा है भाई जो कि ज़बरदस्त सीन है। रास्ता ज़बरदस्त है तो थोड़ा सा यहाँ पर सिनेमैटिक सीन हो जाए मज़ा आ जाएगा। और आप पहुंचने से पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का तालाब दिखेगा। तालाब है कि नदी है गुलाम मुस्तफा भाई? तालाब है जिसके ऐसा पुल है और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का तालाब ही है। गुलाम मुस्तफा भाई तालाब बोल रहे हैं और यहाँ पे जाल वाल लगाए हैं सब मछली उछली पकड़ने के लिए। और इसके दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके का सब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि जाल वाल कुछ इस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर, और जो कि मतलब यहाँ पे पानी तो उतना क्लियर नहीं है लेकिन मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग जुगाड़ करके रखे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे के साइड में। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर, और सामने के साइड में देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा ये तालाब है। तालाब ही है ना गुलाम मुस्तफा भाई? नदी है, नहर है, नहर, चलो जो भी है भाई। हम लोगों के बोलने में अगर कोई गलती हो रही तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्या है। उसके बाद में इधर पे ऐसा है और सेम उधर भी इसी तरीके का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गुलाम मुस्तफा भाई जो है ना गाड़ी एकदम ज़बरदस्त चला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है और बहुत अच्छा रास्ता है तो यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। तो हम लोग चला रहे हैं, आप लोग देखो सामने से देखो गुलाम मुस्तफा भाई किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं भाई, और जो नज़ारा होने वाला है भाई यहाँ का ज़बरदस्त सीन है। और आप लोग इन्जॉय करें भाई, सीन को इन्जॉय करें, क्योंकि ऐसा रास्ता हम लोगों को बहुत कम ही देखने मिलता है। और जो भी देखने मिलता है हम लोग आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यार हम लोग नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों को कौन दिखाएगा, है कि नहीं गुलाम मुस्तफा भाई? हाँ वो तो है, मेरा भी चक्कर में, मेरा फोन भी वीडियो के चक्कर में, आप लोग सपोर्ट करें।
हाँ, हमारे गुलाम मुस्तफा भाई का फोन चले गया, तो आप लोग थोड़ा लाइक वाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा भाई, पैसे वैसे आ जाएंगे तो फोन वोन हम लोग ले लेंगे नया। बाकी अभी तो है नहीं पैसे, जो है उसी से काम चला रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके फटाफट बढ़ा दो यार, वॉच टाइम पूरा करवा दो, पैसे आ जाएंगे, आप लोगों को भी बताएंगे कितना पैसा आया क्या आया। यहाँ से हम लोग इंटर कर चुके हैं महुआ चौराहा, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर। जो कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर ही आप लोगों को एक टावर दिख जाएगा, जो कि यार किस सिम का है वो तो हम लोग को नहीं मालूम, और यहाँ पे शायद मंडप पंडाल वंडाल बना था। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके का रास्ता है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भाई गजब का ही नज़ारा होने वाला है। और ये जो भाई महुआ चौराहा है ना भाई, यहाँ पे फाइनली मैं सच में बता रहा हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई यहाँ के रास्ते को लेकर और यहाँ के बाज़ार को लेकर, वो भाई एक नंबर है। और यहाँ पर सब मार्केट लगती है, लेकिन आज कोई शायद यहाँ की बाज़ार है नहीं। और अल्ट्राटेक सीमेंट का इतना बड़ा एडवर्टाइज़ आप लोग देख सकते हैं दीवार पे। उसके बाद में इधर के साइड में देखेंगे तो इधर पे भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का नज़ारा है, जो कि आप लोगों के सामने है। मैं यहाँ पर कुछ भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा लगा के नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके का नज़ारा यहाँ पर होने वाला है। इधर के साइड में भी आप लोग देखेंगे तो पूरी मार्केट है, दुकानें उकानें हैं, और यहाँ पर भी भाई चारों तरफ जहाँ कहीं भी आप लोग की नज़र जाएगी वहाँ पर आप लोग को खाने पीने वाला कोई ना कोई सामान मिल ही जाएगा। और उसके बाद में खाने का कोई ऐसा बड़ा होटल तो अभी तक हम लोग को नहीं दिखा है, अगर वो दिखेगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन भाई इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, तो खाने का होटल तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, और अगर नहीं भी रहेगा भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाश्ता वगैरह जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ खाने के बारे में मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। और जैसे कि सादुल्ला नगर में गौरा चौकी में, तो यहाँ पर खाने की बिरयानी की जो होटलें हैं वो है, यहाँ पर नहीं बोल सकते, महुआ चौराहा इसका नाम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है, आप लोगों को दिख रही होगी मस्जिद यहाँ पर है, जाने का रास्ता भी यहीं से है। तो ये अच्छी चीज़ है कि मस्जिद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, नमाज़ वगैरह आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इधर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसी कैसी दुकानें हैं। उसके बाद में अभी यहाँ से महुआ चौराहा जो है भाई वो एंड हो रहा है, तो जो कुछ भी था भाई वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाया। यहाँ से महुआ चौराहा से भाई उतरौला जो है वो 17 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे, अगर उतरौला भी जाना मिला तो वहाँ का भी विज़िट करेंगे हम लोग। और महुआ चौराहा में एक चीज़ और है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल पम्प भी यहाँ पर है। आप लोग भाई ये इस लाइन में सुविधा पेट्रोल पंप की बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा सबसे पहले आप लोग देख लो किस तरीके का है, जो कि भाई एकदम शानदार नज़ारा है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर रुकते हैं, इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा महुआ चौराहा का पूरा सीन, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी यहाँ की वीडियो। और 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर इस तरीके की आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी होगी। तो वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुलाम मुस्तफा भाई साथ में है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग सुनो। जैसा कि दोस्तों आप सबको तो दिखाया कि महुआ चौराहा ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन दिखाने की कोशिश करें जहाँ तक था, और फिर आगे भी दिखाएंगे चलकर क्या है क्या नहीं। तो हम लोग इधर रुके हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो पता है क्या करना है यहाँ का। हाँ दोस्तों एक बात, यहाँ का रोड ही बहुत बढ़िया है, जो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है काफ़ी, आप सब देख लो आगे भी दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने रास्ता देखा ही है, ज़बरदस्त है। उसके बाद में महुआ चौराहा का आप लोगों ने सीन देख लिया पूरा, जो कि मज़ा आया होगा। उसके बाद में ये उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग रुकते क्यों नहीं है। भाई अगर हम लोग रुकेंगे ना भाई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हम लोग के पास में टाइम नहीं रहता भाई। लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ जाते हैं कोशिश करते हैं आप लोगों को वीडियो दे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद है डिसलाइक करें, ऐसा तो नहीं जानूंगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर जाना, और हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। गुलाम मुस्तफा भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सपोर्ट कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।